Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss the NCERT problem of exercise 1.5. Now let's come to the question number first. Question number first is, if universal set is given as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and set A is given as 1 2 3 4, B is given as 2 4 6 8 and set C is given as 3 4 5 6 and then we have to find A complement. So first of all beta, agar hum solution pe aate hain तो हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड द गिवन सेट, दैट इज यू माइनस ए. तो मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है, यू माइनस ए मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस सेट ए दैट इज 1 2 3 4, ठीक है. A complement means the set of all those elements of universal set which does not belong to A. तो means इस पूरे set में से अगर हम set A को बाहर कर दें, that is 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास जो set बचेगा 5, 6, 7, 8, 9, वो हमारा क्या हो जाएगा, this will become A complement, ठीक है. Now similarly you can find out B complement, that is U minus B. आप इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यू डिफरेंस बी, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द फाइंड आउट करके आप मुझे इसका आंसर क्लास में बताएंगे. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, ठीक है. हमें क्या चाहिए, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो या तो इसके कई सारे फॉर्मूले हैं फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. चाहे तो हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करके उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, और अगर हमारी मर्जी हो, जो हमारे लिए ईजी हो, ठीक है. और अगर हम बेटा चाहें तो हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ से भी इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ शो करनी है जो हमारे लिए ईजी है, ठीक है. तो हमारे लिए ईजी है, अगर यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने यहाँ से ए यूनियन सी फाइंड आउट किया, तो ए यूनियन सी यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और विच बिलोंग्स टू सी, दैट इज 1 2 3 4, सी मीन्स 3 4 5 6, दैट इज यहाँ से क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अब क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी मीन्स यूनियन यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन सी. अब हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड डिफरेंस ए यूनियन सी. ए यूनियन सी मीन्स अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास आंसर में यहाँ पे क्या बचा, यू विल गेट 7 8 9, ठीक है. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट दिस वन एंड इसका आंसर आप मुझे क्लास में देंगे. नाउ लेट्स कम टू द अनदर वन, दैट इज फिफ्थ. फिफ्थ में अगर हम बेटा देखें तो क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. क्या चीज़ बोली जा रही है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. और आपको ये रिजल्ट ऑलरेडी पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ से देखिए तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला हम फाइंड आउट करेंगे दिस का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यू माइनस सॉरी यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट. तो अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास क्या बची बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास है 5 6 7 8 9, तो अगर 5 6 7 8 9 यहाँ से अगर आप बाहर कर देंगे तो आपको यहाँ से क्या बचेगा, 1 2 3 4. एंड बेटा यू कैन सी दैट कि ये 1 2 3 4 ही सेट ए है, और मैंने आपको प्रूविंग भी कराई है बायोलॉजिकल मेथड कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बिकम क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको सेट ए मिल जाता है, ये सेट ए के इक्वल हो गया पूरा, ठीक है. इसी तरीके से आप बी डिफरेंस सी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स कम टू द सिक्स पार्ट. सिक्स पार्ट आपके पास क्या है, सिक्स पार्ट आपके पास है बेसिकली बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बी डिफरेंस सी. बी डिफरेंस सी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखा, सेट बी, सेट बी दैट इज आपके पास क्या है सेट बी बेटा, सेट बी है 2 4 6 8, ठीक है, क्या है 2 4 6 8 है सेट बी, और उसके बाद 2 4 6 8 के बाद डिफरेंस सेट सी क्या है बेटा आपके पास, सेट सी है 3 4 5 6, ठीक है. अब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच डज नॉट बिलोंग टू सेट सी. तो मीन्स यहाँ से अगर आप देखिए तो 4 और 6 हट गया, तो क्या बचा 2 and 8, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिफरेंस सी, दैट इज यू माइनस यूनिवर्सल सेट
डिफरेंस, बी डिफरेंस सी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपके पास बेटा क्या है, यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ बी डिफरेंस सी दैट इज 2, 8। तो यहाँ से अगर हम सब फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 8 को बाहर कर दिया तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा। तो क्या बोला जा रहा है आपसे, कहते हैं कि इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग से। तो हम बेसिकली फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट आप फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू डिफरेंस ए, ठीक है, यू की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और डिफरेंस ए की बात करें तो सेट ए इज ए बी सी। तो अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे तो ए बी सी आपका बाहर हो गया तो क्या बचा, डी ई एफ जी एच, ये मिल गया हमको, ठीक है। अब इसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट आप फाइंड आउट करेंगे और मुझे क्लासरूम में बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम आपके पास क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि इन नंबर्स को सेट ऑफ नेचुरल नंबर मींस यूनियन को, यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर किया गया है। कहते हैं कि आपको क्या बताना है, जो फॉलोइंग सेट्स गिवन है इन फॉलोइंग सेट्स का आपको बेटा क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट सेट अगर दिया है आपके पास x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा। अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से अगर हमने क्या किया, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इस सेट का हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफरेंस एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर मीन्स कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफरेंस सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो आपके पास क्या बचेगा डिफरेंस में, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड वन आप यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में अगर आप देखिए तो क्या कहते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये सेट आपके पास क्या है, ये वो सेट है जो कि 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं। तो अगर हम बेटा इसके बात करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट की, तो इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफरेंस एक्स पॉजिटिव मल्टी सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब नेचुरल नंबर के वो सारे मेंबर जो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहते हैं कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो इसका अगर आप बेसिकली फाइंड आउट करना चाहें कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसके कॉम्प्लीमेंट में अगर आप देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर अगर हम बाहर कर देंगे तो हमारे पास कौन कौन से नंबर बचेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर यहाँ से देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स एक्स सच दैट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर, या तो ये कॉम्पोजिट नंबर होगा, कॉम्पोजिट नंबर बचेगा, और या तो ये हमारे पास 1 बचेगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x सच दैट x इज अ नॉट नेचुरल x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट अगर 6 पे हम आते हैं तो क्या बोला जा रहा है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखिए तो इसी तरीके से इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब को बाहर कर देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब परफेक्ट क्यूब मतलब नेचुरल नंबर के वो सारे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे वही इसमें आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें
तो बेसिकली सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि इसमें किस टाइप के मेंबर्स आ रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए गिवन है x प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, दैट इज x इज इक्वल टू एट माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री. मतलब कि यहाँ पर जो मेंबर आ रहा है विच इज यहाँ पर कौन सा मेंबर आ रहा है, थ्री आ रहा है. ठीक है, तो हम कह देंगे अगर आपने क्या किया इसका नेचुरल नंबर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो नेचुरल नंबर के सारे मेंबर आएंगे एक्सेप्ट थ्री. तो हम लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू थ्री, x थ्री के इक्वल नहीं है. ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं. नेक्स्ट वाला पोर्शन हमसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. वो सारी वैल्यूज x की जो इस कंडीशन को क्या करती हैं बेटा, वो जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हैं. इस कंडीशन को फुलफिल अगर कर रही हैं तो बेसिकली हमको देखिए क्या चीज़ मिलेगी. अगर यहाँ से आप देखिए तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, दैट इज 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5. ठीक है, 2x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 2. मतलब बेसिकली हमारे पास ये वो कौन सा सेट आ गया, हमें मिल गया ये मिल गया 2. ठीक है, 2 मिल गया. इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और कैसे नेचुरल नंबर होंगे, x जो है 2 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है, लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट का डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इस सेट का अगर आप डिफरेंस लीजिए तो क्या मिलेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो हम वो सारे मेंबर लेंगे जो कि इसके क्या होंगे, लेस देन. इक्वल टू का साइन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन इस पर्टिकुलर सेट में आ गया है तो इसके डेफिनेटली इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ और आप इसका आंसर मुझे क्लासरूम में देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. ये कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज गिवन, सेट ए इज गिवन, सेट बी इज गिवन, यू हैव टू वेरीफाई दिस वन. दिस वन मीन्स दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ. आपको डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कराना है. यहाँ पर नंबर्स गिवन है तो आप डी मॉर्गन्स लॉ को इस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं. बट अगर डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूविंग की बात करेंगे तो हम कभी भी नंबर्स को लेकर के डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूविंग आपको नहीं करने को सजेस्ट करेंगे जब तक आपको इस तरीके से पर्टिकुलर नंबर्स ना दिए हों सेट के. ठीक है, तो वेरीफाई कराना है तो वेरीफाई कराने के लिए तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और विच बिलोंग्स टू बी, दैट इज 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7. तो हमें क्या मिल गया, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8. ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें मिल गया ए यूनियन बी. ठीक है, अब ए यूनियन बी का हमें क्या चाहिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट चाहिए. कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू डिफरेंस ए यूनियन बी. ठीक है, दैट इज अगर यहाँ से देखिए तो सेट यू की बात करें, दैट इज यूनिवर्सल सेट, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. डिफरेंस ए यूनियन बी दैट इज 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ बची, अगर देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 1 और 9 बचा. ठीक है, अब हम लोगों को राइट हैंड साइड चेक करना है. राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यू डिफरेंस ए. ठीक है, यू डिफरेंस ए. इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू डिफरेंस बी. ठीक है, अब देखिए U डिफरेंस A का मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A means 2, 4, 6, 8. ठीक है, तो इस पूरे सेट में से 2, 4, 6, 8 हमने बाहर कर दिया, 2, 4, 6, 8 बाहर किया तो हमें U डिफरेंस A मिल गया. मैं लिख नहीं रही हूँ, 1, 3, 5, 7, 9 ये मिल गया. इंटरसेक्शन U डिफरेंस B की बात करें, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 तो U डिफरेंस B मिल जाएगा. दैट इज ये क्या मिलेगा, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 8 एंड 9. ठीक है, ये मिल गया हमें U डिफरेंस B. ठीक है, अब यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन में वो दोनों नंबर आएंगे जो कि दोनों ही सेट में बिलोंग करते हैं. कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा.
वन एंड नाइन, दोनों में ही वन और नाइन है, दैट इज इसके इंटरसेक्शन में वन और नाइन आ गया. इट मीन्स कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ से लिख सकते हैं, देयर फोर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी विल कैन बी रिटन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वेरीफाई हो गया डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट लॉ आप हमें प्रूव करके क्लासरूम में बताएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम कहते हैं ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके लिए एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ड्रॉ करना है. तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम ड्रॉ करना. ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने यहाँ से क्या लिया, ये देखिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट. ठीक है, फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, और ये सेट ए हो गया और ये हमारे पास सेट बी हो गया. ठीक, अब देखिए ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन ये हमारा किस में आया, ए यूनियन बी में आया. ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें बेटा, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो क्या होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये जो पूरा पोर्शन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम, जो हम ब्लैक पेन से शेड कर रहे हैं, दैट विल बिकम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हम लोग आते हैं इस वाले पोर्शन में. डेफिनेटली डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू आपको पता है कि दोनों के सेम ही वेन डायग्राम आएंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में आते हैं, सेकेंड पोर्शन पे हम आते हैं. सेकेंड पोर्शन हमने फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट किया. सेकेंड पोर्शन के केस में हमने क्या किया, ये देखिए अनदर हमने सेट लिया, दैट विल बिकम दिस वन, दिस वन, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, और ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट हो गया आपका. ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यू माइनस ए हो गया. ठीक, तो मतलब ये पूरा अगर हम देखते हैं तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या बन गया, पूरा पोर्शन आपका बन गया बेसिकली अगर आप देखिए तो ये पूरा पोर्शन जो है ए को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी क्या आ जाएंगी, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी. ये भी पोर्शन आपका ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा क्योंकि ये बी का पार्ट है, ए का पार्ट नहीं है. ठीक है, अब इसी तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट थिंग हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए. बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बेटा बात करते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट के केस में अगर आप देखना चाहें तो बी कॉम्प्लीमेंट के केस में हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, वो सारे मेंबर्स मिलेंगे जो कि सेट बी में नहीं आते, सेट बी में नहीं आते. तो हमारे पास इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये पोर्शन सेट बी में आ रहा है आपका. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो हमको ये पूरा पोर्शन मिला. ठीक है, ये पूरा पोर्शन मिला, और अगर आप बेसिकली यहाँ से देख पा रहे हैं तो हमको अब क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का बेटा मतलब ये हो गया कि हमको उन प्लेसेस पे चेक करना है जहाँ रेड और ब्लैक दोनों, रेड और सॉरी जहाँ पे ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का यूज़ किया गया है, वो पोर्शन आपका क्या है, वो पोर्शन आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. मतलब दोनों सर्किल की बाहर का पोर्शन, तो देख सकते हैं दोनों सर्किल के बाहर का पोर्शन इंटरसेक्शन में आएगा. इट मीन्स कि ये और ये आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए. नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप मुझे क्लास में सॉल्व करके बताएंगे. नेक्स्ट ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 16 आई थिंक 6. लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन. ठीक है, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट, सेट ए कहते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. इसका मतलब सेट ए वो सारे ट्राइंगल्स का सेट है जो कि कौन से ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, मतलब कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विच आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है क्योंकि बेसिकली यहाँ से क्या है, इसका जो एक एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. तो यहाँ से यू डिफरेंस ए की बात कही जाए तो यू डिफरेंस ए में कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे, यू डिफरेंस ए की बात करें तो ये कैसा मिलेगा, इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ये सारे उन ट्राइंगल्स का सेट होगा
जिनके तीनों एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो. 60 डिग्री मीन्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विच आर इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये बन गया. अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है कि इसको हम सॉल्व करते थे तो हमें क्या मिलता. तो ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में पूरा का पूरा आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है, याद होगा आपको. फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स हो जाता है यूनियन यूनिवर्सल सेट. फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट. इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन के केस में जो छोटा सेट होता है वही आपको मिलता है, दैट इज विल बिकम. तो यहाँ पे हमें सेट ए मिल जाएगा. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और हमेशा आपको फाई मिलेगा किसी भी सेट का, उस सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेना है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपके पास यू कॉम्प्लीमेंट. यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों फाई, ठीक है, इंटरसेक्शन ए. यू तो यहाँ से फाई इंटरसेक्शन ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाई मिल आपको बेसिकली यहाँ से क्या मिल जाएगी, वैल्यू फाई.